आज जैसे ही ब्राह्मण देव चले हैं, वृद्ध अवस्था है, सोच रहे हैं द्वारका 750 कोस है, अब क्या करें, पहुंच गए तो पहुंच गए, ना पहुंच गए तो पहुंच गए, एक ना एक दिन तो वहीं जाना है। पंडित जी चले आगे, रास्ता में वृद्ध शरीर है, पीपल की छाया को देखा, ब्राह्मण देव वहां बैठ गए और थोड़ी देर बैठे रहे, उसके बाद में सो गए। भगवान कन्हैया समझ गए कि द्वारका में पत्र लाने वाले पंडित जी तो रास्ता में ही सो रहे हैं अपनी योग माया के द्वारा। आज द्वारका में, द्वारका के करीब उन विप्र देव को ला करके सुला दिया और जैसे ही आंख खुली है, मेरे भागवत श्रोताओं नजर उठा के देखा है तो चारों तरफ महल नजर आ रहे हैं। कहा है भैया ये कौन सा शहर है? ये द्वारका 6। क्या द्वारका 6? अब पंडित जी बड़े चक्कर में पड़ गए, बोले हमने तो एक द्वारका सुनी, जो जहाँ 6 द्वारका बता रहे है। बोलो भैया। बोलो पंडित जी, कन्हैया कहाँ है? कन्हैया 6। अब चक्कर में पड़ गए, बोले द्वारका छे कन्हैया छे, हमें तो जाओ ना मालूम कौन से कन्हैया के पास में ये पत्र जाएगा। पंडित जी बोली, मुझे तो आप पूरब साइड के दिखाई दे रहे हैं। हाँ भैया पूरब से ही आए हैं। तो घबराओ मत, यहाँ द्वारका भी एक है और कन्हैया भी एक है। इतनी देर से काई छक्काड़ो पेल ले, क्योंकि तुम्हारी तरफ है बोलते हैं और हमारी तरफ 6। आज पत्र को लेकर के भगवान कन्हैया के पास में ब्राह्मण देव पहुंचे हैं। कन्हैया ने पत्र को पढ़ा तो भगवान बोले हैं, हे ब्राह्मण इस समय नहीं, सुबह को हम तुम्हारे साथ में चलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, हमारे भैया बलराम जाने नहीं देंगे। आप कुछ दूर चलना और खांसने लगना तो हम कहेंगे भैया ब्राह्मण पे वृद्ध अवस्था है, आपकी आज्ञा हो जाए तो कुछ दूर इन्हें हम छोड़ाएं, तो तुम्हें छोड़ने के बहाने से तो हम चल सकते हैं। रात भर विश्राम किया, भोजन कराया भगवान ने। सुबह को जैसे ही ब्राह्मण देव चलने को तैयार हुए, मेरे भैया थोड़ी दूर जाकर के बैठ करके खांसने लगे। भगवान कन्हैया बोले हैं, बलराम भैया देखो ब्राह्मण देव वृद्ध है, इनसे रास्ता नहीं चली जा रही है, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो कुछ दूर हम छोड़ करके आए। बलराम बोले जाओ रथ ले जाओ और इन्हें कुछ दूर छोड़ करके बहुत जल्दी लौट के वापस आओ। अब जैसे ही भगवान रथ लेकर के चले, ब्राह्मण देव को रथ में बिठाया, पहले तो धीरे धीरे रथ चलाया और जब बलराम की नजर से ओझल हुआ रथ, भगवान ने उस रथ को उड़ा दिया, ब्राह्मण देव कांपने लगे। आज जैसे ही कुंदनपुर में पहुंचे हैं तो क्या देखा, चारों तरफ शिषपाल की फौज तैयार है। भगवान कन्हैया बोले, पंडित जी ये इधर वाली फौज किसकी है? दंत बकर की। और इधर वाली किसकी है? शिषपाल की। अच्छा ये दोनों आए हैं, दंत बकर और शिषपाल फौज लेकर के पूरी तैयारी से आए हैं, हम अकेले आए हैं। अच्छा रुकमणी से कह देना कि जाए शिषपाल के साथ में शादी कर ले और चली जाए। ना ना ना। क्यों? वो उनके संग शादी ना करेगी, मर जाएगी। तो क्या हम मर जाए? कौन कह रहा है कि तुम मर जाओ? फिर क्या करें, हम अकेले आए हैं और शिषपाल पूरी तैयारी से आया है। एक उपाय हम तुम्हें बता रहे। क्या है? ये सामने मंदिर देख रहे हो? हाँ रूपा देवी का मंदिर है। आप वहीं चले जाओ, मैं अभी घर जाता हूँ, रुकमणी को पूजा के बहाने वहीं भेज देता हूँ। ठीक है ठीक है। आज वही हुआ, भगवान कन्हैया मंदिर पर रुके और पंडित जी घर में पहुंचे, सही रुकमणी बोली पंडित जी आ गए? आ गए पंडित जी, आ गए। भगवान कन्हैया आ गए क्या? आ गए भगवान कन्हैया। कितने रथ लाए हैं? कितने घोड़ा लाए हैं? एम्बुलेंस बताओ, एम्बुलेंस लेके आए, गम लड़की ले जाएंगे तो। क्यों? कैसी खुशी के मारे मरी जा रही है। एक बात बता, क्यों तेरे बाप कन्हैया पर क्या देखो? क्यों उनमें कोई कमी है क्या? कमी को में अच्छाई कौन सी है? कौन सी कमी है? इतनो कालो करवटा डाबा जैसो ड्रम। ओए पंडित जी बोला, अगर मेरे कन्हैया के बारे में एक भी शब्द बोला नहीं तो समझ लेना लग गई मिच्चा, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है। बता जो काले कह रहे हो, अरे जो ऊपर से गोरे होते ही वही तो दिल के काले होते, जो लोग ऊपर से गोरे होते ही वही दिल के काले होते ही, और जो काले होते हैं वो दिल के बड़े उजाले होते हैं। जवाब दिया दिल के
ब्रह्मदेव प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत कन्हैया के बारे में जो ऐसा कह रहे हैं, हर किसी पर चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल, हर किसी पर चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। इस तरीका से आज ब्राह्मण देव बोले।